हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M32 के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने नेविगेशन बटन हाइड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। ये वाले जो बटन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नेविगेशन बटन, जिन्हें आप बैक बटन भी बोल सकते हैं। ये वाले बटन आपको हाइड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने इन बटनों को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने बटन हाइड करने के लिए सबसे पहले जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है डिस्प्ले, तो सिंपली आपको डिस्प्ले ओपन कर लेना है। डिस्प्ले ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है नेविगेशन बार, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है बटन से, यहाँ से आपके बटन पे नीचे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है स्वाइप अप जेस्चर, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये वाले बटन आपके हाइड हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बटन अब यहाँ से हाइड हो चुके हैं। अगर आपको बैक करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से स्वाइप करेंगे तो बैक आ जाएंगे, आप इस साइड से स्वाइप कर देंगे तो बैक आ जाएंगे, और बीच से आप स्वाइप कर देंगे तब आप आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। स्वाइप करके होल्ड रखेंगे एक सेकेंड तब आप आ जाते हैं रिसेंट टास्क में। यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर आप स्वाइप एंड होल्ड रखेंगे तब आप आ जाते हैं रिसेंट टास्क में। अगर आपको फिर से वहीं जाना है अपने एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए आपको यहाँ से फिर से जाना होता है सेटिंग में अपनी। सेटिंग में जाने के बाद अपने डिस्प्ले पर जाएंगे और नेविगेशन बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आपको बटन वापस देंगे तो बटन पर क्लिक कर देंगे, आपके बटन वापस आ जाते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है, अगर आपको बटन ये लेफ्ट राइट कराने हैं तो यहाँ से आप इसे लेफ्ट राइट करा सकते हैं। बैक वाले बटन को यहाँ से आपको लेफ्ट राइट कराने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने बटन को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं, या लेफ्ट राइट भी करा सकते हैं। उन्हें इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर बटन को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।